Hello and welcome to another exciting episode of the Anubhav Sapra show, a show where you bond over food, people, culture, travel and stories. Today we welcome Jasreen Khanna ji, travel and lifestyle writer and author of Seva, Seek Secrets on How to Be Good in the Real World. In this episode, we'll unfold the treasures and the noble deeds of Seva or community service with one important component, that's food. So welcome Jasreen to our show. Hi. Jasreen ji, look, before we start talking about your book, if you can introduce yourself to our listeners and viewers. Sure. My name is Jasreen Mayal Khanna. I've been a travel and lifestyle writer for 11 years. And in the pandemic, I had a baby and wrote a book. I was very productive. Actually, जब मैं छोटी थी, मैं वो बच्चा थी जो फैमिली गैदरिंग्स पे भी आई यूज्ड टू सिट विद अ बुक. तो सब कहते थे जसरीन और उसकी बुक्स. मेरा हमेशा ये मन था दैट आई शुड राइट अ बुक. और मैंने एक्चुअली अपनी मास्टर्स भी उसी में किया था. मैंने मास्टर्स नॉवल राइटिंग की थी एक्चुअली, बट फिर मुझे ये ट्रैवल और लाइफस्टाइल का जॉब मिल गया, ट्रैवल राइटर का जॉब, जो मुझे बहुत पसंद आया. तो मैं 10 साल उसी ऑक्यूपेशन में टिकी रही. I had the good fortune, मैं इंडिया के काफी कोनों में और बाहर भी गई हूँ. वहाँ का खाना खाया, वहाँ के लोग को एक्सपीरियंस किया. I've really been very lucky. So pandemic में I turned to writing a book, and I'll tell you more about that. जी, तो आप मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें आपने जिक्र किया है कि आप बंगला साहब गुरुद्वारे बचपन में जाया करते थे और आपकी बहुत सारी मेमोरीज एसोसिएटेड है उससे. आपने काफी अच्छे से उसमें पूरी हिस्ट्री भी लिखी है बंगला साहब की, उसका नाम बंगला साहब क्यों पड़ा और काफी लोगों को इनफैक्ट पता भी नहीं होगा. और उसके बाद फिर कैसे एक आपका रिश्ता बना कम्युनिटी सर्विस से, सेवा से, और बाद में उसने आपने अभी रिसेंटली एक किताब लिखी है सेवा के ऊपर में. और सिख रिलीजन के बारे में चाहे इंडिया या इंटरनेशनली कोई भी इमरजेंसी, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, चाहे रिसेंटली कोविड की बात हो, उसमें भी हम सब लोगों ने देखा किस तरह से सिख कम्युनिटी सबसे आगे आई और उसके बाद फिर जो सेवा का एक भाव है सिख कम्युनिटी में, वो तो खैर कई सदियों से लोगों को पता है और उसको आपने अपने एक बुक में कंसाइज करके लिखा है. तो उसके बाद बताएं कि कैसे आइडिया आया इस बुक के बारे में, सेवा की बुक कैसे आपने कॉम्प्लेन किया कि इस पे किताब लिखी जानी चाहिए. एक्चुअली मैं ट्रैवल राइटर थी, पैंडेमिक हो गया था, मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मुझे लगा अब थोड़ा टाइम मैं काम शायद नहीं करूंगी जब तक बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए, पैंडेमिक पास हो जाए, क्योंकि स्काइज वर नॉट ओपन, कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा था. मेरा बेबी 5 हफ्तों का था जब मुझे जगनॉट पब्लिशर से चिकी सरकार ने अप्रोच किया कि मुझे एक बुक लिखनी, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ बुक. ये कि सरदार और सरदारनी इतनी सेवा क्यों करते हैं, व्हाई डू दे डू सेवा. मैं तब एक्चुअली थोड़ा, मुझे पोस्टमार्टम एंजाइटी हो गया था, मेरे हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे थे, घर में मेरे बेबी का 6 हफ्ते का बेबी का सर्जरी हो रहा था और घर में किसी को कोविड हो गया था, तो काफी टफ फेज चल रहा था हमारी लाइफ का, मेरे और मेरे हस्बैंड का. और बाहर की दुनिया में तो पैंडेमिक चल ही रहा था. मैं ये न्यूज देख रही थी, बाबा करनैल सिंह ने महाराष्ट्र के हाईवे पे 2 मिलियन माइग्रेंट्स को खाना खिलाया, बाद में ऑब्वियसली द ऑक्सीजन लंगर्स हिमकुंड फाउंडेशन ने जो ऑर्गेनाइज किए थे एटसेट्रा. तो ये सब देख के मैं बहुत खुश थी, बहुत प्राउड थी, मुझे गर्व हो रहा था अपनी कम्युनिटी पे, पर मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि ये जो सेवा है वो हमारे लिए सेकेंड नेचर ही है, हम करते आए हैं, मैं भी बचपन से करती आई हूँ. पर शायद मैंने इसे कभी एनालाइज नहीं किया, कभी सोचा नहीं हम क्यों करते हैं, जब तक मैंने ये बुक लिखी. ये बुक लिखी तब मैंने जाके एनालाइज किया अपनी खुद की अपब्रिंगिंग को. मैंने बहुत सरदार और सरदारनी से इंटरव्यूज किए, मैंने बिहेवियरल साइंस से स्टडीज निकाली, और मैंने एक्चुअली एक कोर्स भी किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रही थी सिखिज्म के बारे में, तो मैंने वो कोर्स भी पहले कम्प्लीट किया था. तो इसमें जो आपने से बताया कि आपने लोगों से बात की और बुक के लिए रिसर्च किया, तो क्या फाइंडिंग्स आए कि क्यों, क्या मोटिवेट करता है सिख कम्युनिटी के लोगों को सेवा करने का? तो मेरी बुक का जो सेंट्रल थीसिस है वो है सेवा खुशी से आती है. जब आप अंदर से खुश हो तब आपके दिल में जगह बनेगी किसी और के लिए, कुछ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए. सेवा इक्वल्स जॉय,
ये जो सरदार सरदारनी आप देखो हफ्ते में ये प्रेपरेशन करते हैं, आटा गूंथते हैं, कोई गुरुद्वारे में गूंथते हैं, कोई घर ले जाके गूंथते हैं, फिर हम वेजिटेबल्स चॉप करते हैं वगैरह वगैरह, हमारी प्रेपरेशन चलती रहती है। फिर संडे को आते हैं, सब मिलजुल के वो खाना पकता है और सब सिख नॉन सिख जो होमलेस हैं सब भी सब जमीन पे बैठ के साथ में खा लेते हैं, और उस मील के ड्यूरेशन के लिए हम सब भाई बहन भी बन जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत खुशी है इस एक्सपीरियंस में, एकदम टेस्टी कंफर्ट फूड, लंगर वाली दाल गोभी रोटी खीर हम खाते हैं, हम हमारा कम्युनिटी बना रहता है, वी आर ऑल फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद ईच अदर, और फिर जो दूसरों की मदद करते हैं उसमें भी जॉय होता है। तो मेरे बुक का ये सेंट्रल थीसिस है कि सेवा खुशी से आती है, एंड दैट इज द मोटिवेशन बिहाइंड सेवा। और सेवा के और भी रूप हैं, जिस तरह से जैसे आपने बताया लंगर तो एक हुआ, जैसे फिर ऑक्सीजन लंगर्स की आपने आप बात की, और मैंने देखा है दिल्ली में मतलब और भी कई तरीके से सेवा की जाती है। मतलब फूड तो सेंट्रल है ही इस आइडिया का सेवा के बारे में, और लेकिन और भी चीज़ों से काफ़ी एसोसिएटेड है। आपने ही अपने एक आर्टिकल में पढ़ा था जैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक डायलिसिस यूनिट उन्होंने लगाया है जिसमें वो लोगों की सेवा करते हैं और उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो और भी क्या क्या ऐसे ब्रांच हैं सेवा के सिख रिलीजन में? मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इतने लोगों से बात की, एंड आई फाउंड सच वंडरफुल स्टोरीज। जैसे दिल्ली में ही वीर जी का डेरा है, वो एक सिख ऑर्गेनाइजेशन है, वो फुटपाथ पे डिस्पेंसरी चलाते हैं, तो जिनके भी कोई भी इलनेसेस हैं स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते नॉर्मल डॉक्टर के पास जाना, वो उनकी देखभाल करते हैं, और उनके साथ मुस्लिम डॉक्टर्स भी खड़े होकर उनकी देखभाल करते हैं। फिर कनाडा में एक सिख है, उसको निकनेम आ गया है डांसिंग सिख, उसका नाम है हसमीत सिंह चंदोक, वो भांगड़ा के वीडियोस बनाता है कनाडा में सिख लोगों के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने को, और साइमल्टेनियसली पैसे जमा करता है कैनेडियन चैरिटीज के लिए, जैसे एल्स डिजीज या मेंटल हेल्थ चैरिटीज के लिए वो पैसे इकट्ठा करता है। फिर सेकेंड वेव कोविड में गोवा काफी इग्नोर हो गया था, वहाँ ऑक्सीजन क्राइसिस भी चल रही थी पर ज्यादा लोगों को इतना पता नहीं था, तो वहाँ गोवा में एक सिख यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जैसे ऑक्सीजन लंगर वहां स्टार्ट किया, उनको परमिशन नहीं मिली फिर भी उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर लंगर लगाया, वहां उन्होंने 300-400 का प्रेपरेशन किया था, 1400 लोग आके खा रहे थे। दूसरों को डर लग रहा था हम कोविड के पेशेंट्स के पास जाएंगे तो हमें कोविड हो जाएगा, ये लोग बिना डर निर्भय जाके सेवा कर रहे थे कोविड पेशेंट्स की। तो ऐसे मुझे काफी सारे ब्यूटिफुल स्टोरीज सुनने को मिले इन द कोर्स ऑफ राइटिंग दिस बुक। तो सारी ये स्टोरीज आपके बुक में हैं? हाँ जी मेरे बुक में है। अच्छा, क्या बात है। इनफैक्ट आपने जैसे बताया था व्हील जी का डेरा के बारे में, उनपे हमने काफी 1 साल लगा के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अगर आपको मौका जरूर लगे तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। और संजू जी जो लंगर जो पूरी सेवा चलाते हैं और उनकी जो पूरा एक इकोसिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, फार्म से लेकर फार्म में सब्जियां जो उपजाई जाती हैं उसमें वॉलंटियर्स जो सेवा करते हैं, उसके बाद सब्जियों को लाने का काम, उसको उन्होंने तिलक नगर में अपना एक सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे सारा खाना पकाया जाता है। उसके बाद फिर स्ट्रीट पे उनके कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे यमुना पुश्ता एक इलाका है दिल्ली का कश्मीरी गेट के सामने, और चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारे के सामने, हाँ और वहाँ जी पे वो पट्टी सेवा कहते हैं हाँ और लोगों जी की मरहम पट्टी करते हैं, हाँ खासकर जी जो बेघर लोग हैं उनके उनके लिए। हाँ जी और बहुत ही अच्छे से मतलब लंगर को मैंने अपने मतलब मैं सिख तो नहीं हूँ लेकिन पंजाबी हूँ, लेकिन मैंने लंगर को बहुत करीब से देखा है अपने और मतलब काफी समय मैंने मतलब स्पेंड किया है समझने के लिए कि क्या है ये सिस्टम, हाउ और लवली। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। और अभी हम लोग फूड टूर्स करते हैं दिल्ली में, तो जो हमारे टूर्स में लोग आते हैं हम लोग वी मेक इट श्योर कि हम उनको लंगर में जरूर ले जाएं। और वाह उसमें मतलब मैं स्कूल के बच्चों को भी ले जाता था और उनको बोलता था कि आप जाएं लंगर में, और लंगर में शुरुआत से सब्जी काटने से आपको प्रसाद बनाने से लेकर सेवा करने तक, उसके बाद उनको मैं दोबारा बुलाता था, मैं बोलता था आपने क्या सीखा। तो एक सिर्फ लंगर सेवा से मैं उनको एक लाइफ स्किल एजुकेशन की आपने इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है जो कि आपको क्लासरूम में सिखाई नहीं जा सकती। तो एब्सोल्युटली जैसे आपने अभी बताया कि साथ बैठ के खाना, और आप जब खाते हैं साथ में तो भाई बहन बन जाते हैं और मतलब एक भाईचारे भाईचारा की भावना आती है, वो तो है ही। और भी कई चीजें हैं जैसे एक टीम की तरह काम करना कि लोग दूसरे को जानते भी नहीं है, बहुत बार सेवा में ऐसा होता है लेकिन साथ में काम कर रहे बिल्कुल होते हैं। तो बहुत हाँ सारी जी चीजें हमें एक सिर्फ
थोड़ी से टाइम में अगर कोई जाके लंगर की सेवा करे तो सीखने को मिलता है। और तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा नेक्स्ट था कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सिखिज्म के 3 मेन पिलर्स हैं, और जैसे किरत करना, नाम जपना और वर्ण चखना, तो इससे ही कहीं ना कहीं इंस्पायर होके पूरी सेवा की जो एक भावना है सिखिज्म में आती है। तो बिल्कुल आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें कि क्या यही एक पिलर्स है या और भी कुछ ऐसे फेवर? ठीक है। तो ये तो गुरु नानक जी देव जी ने हमें कहा था कि कीरत करो, वर्क हार्ड, वन छको, सेवा करो और नाम जपो। और ऐसे सिखी मैं कभी किसी को बोला नहीं कि आपके हमारे यहाँ आके खा रहे हो तो आप सिख बन जाओ। हम किसी को कन्वर्ट भी नहीं करते, एक्चुअली उसका उल्टा है। हम सब जो साथ मिलके खाते हैं उसमें थोड़ा इक्वालिटी की भावना ज्यादा आती है। फिर आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, आप सब साथ में बैठे खा रहे हैं तो बहुत इसमें इक्वालिटी की जो भावना है वो फैलती भी है। आप इसको ज्यादा अच्छी तरह से एम्ब्रेस कर सकते हैं। आप घर जाके भी सोचते हैं कि जो मेरे पास बैठा था वो मेरे जैसा तो नहीं था, पर मैंने उसके साथ दो रोटी तोड़ी। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जैसे आपने बताया कि साथ में हमने प्रसाद खाया, तो वैसे ही जैसे एक मैं लोगों को अपने जब बच्चों को ले जाता था बताता था कि जैसे ये रोटी जो बन के आ रही है जो आपके प्लेट में, आपको पता नहीं है वो किसने बनाई है, हाँ जी वो किस धर्म का इंसान था जिसने आपके लिए वो प्रसाद बना के आपको दिया है जो आपके बिल्कुल थाली में है, आप वो खा रहे हैं, क्या वो बिल्कुल हिंदू ने बनाई है, मुस्लिम ने बनाई है, या क्रिश्चन ने बनाई, किसने बनाई बिल्कुल है। मतलब सबसे बिल्कुल अच्छी चीज मुझे इस पूरे इंस्टीट्यूशन की यही लगती है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस सेवा से। हाँ जी बिल्कुल। सेवा करने से नहीं, वो लंगर खाने से भी एक्चुअली यू कैन लर्न वन और टू थिंग्स जस्ट सीइंग एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू। और जैसे हम लोग, और जैसे एक तो लंगर की बात की हमने, या फिर आपने एग्जांपल भी दिया कि और भी शहरों में पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पे इस तरह की सेवा होती है, और भी क्या चीजें एसोसिएटेड है सेवा से, या और भी किस तरह से सेवा की जा सकती है या करते हैं, उसके बारे में कुछ आप बात करना चाहेंगे? एक्चुअली बहुत, जैसे यूके में एक सिख है राजेंद्र सिंह हरजल, वो स्किपिंग करके सेवा करते हैं। लॉकडाउन में उन्होंने स्किपिंग के वीडियोस लगाने शुरू किए यूट्यूब पे और फिर सब दूसरे लोग इंस्पायर हो गए। उन्होंने अगेन यूके के जो हेल्थ केयर सिस्टम है NHS, उसके लिए मनी इकट्ठा किया, तो फिर कोविड में वो मनी चैरिटी को दे दिया। और उनको इनफैक्ट पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर भी मिला है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से। तो एक्चुअली मैं कहती हूँ कि आपको जो पसंद है, ऑफ कोर्स फूड इक्वल्स जॉय, ये तो खाने से तो खुशी मिलती ही है, पर आपको जो पसंद है आप उसमें सेवा कर लीजिए। आपको कोई स्पोर्ट खेलना या डांस करना पसंद है तो आप किसी को सिखा दीजिए ये कैसे खेलते हैं। आपको नेचर पसंद है, आप जाके थोड़ा सैपलिंग्स प्लांट कर सकते हैं। तो सेवा बाहर से बहुत ये ग्रैंड जेस्चर लगता है, ग्रैंड सेल्फलेस जेस्चर, पर एक्चुअली जितना आप उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं उतनी आसानी से आप करोगे और आपको अच्छा लगेगा, फिर आप और भी करोगे। जी जी मेरी बुक में आप एक्चुअली मैंने एक काइंडनेस चैलेंज लिखा हुआ है, हर रोज एक अच्छी चीज करो, किसी के लिए कुछ करो। जैसे कि मंडे को आपने किसी के लिए एक केक बेक कर लिया, ट्यूसडे को आपने अपने डोमेस्टिक स्टाफ को एक कंप्यूटर या फोन से यूज करना सिखा दिया, वेंसडे को आपने अपनी मम्मी पापा या भाई बहन के लिए कबर्ड साफ कर दिया। आप एक हफ्ते के लिए हर रोज किसी के लिए एक अच्छी चीज करो और फिर आप देखो, अगर आपको पसंद है तो आप करते जाओ। आपको क्या, एक बार आपको खुद अच्छा लगेगा फिर ही आप करोगे सेवा। मतलब सेंटर आइडिया जो है वो यही है कि काइंडनेस और लोगों, दूसरे लोगों की केयर करना, और वो किसी भी हाँ तरह से जी की जा सकती है, हाँ चाहे जी वो बिल्कुल जैसे आपने बताया एग्जांपल कि वो स्किपिंग करके करते हैं, वीडियोस बना के, या फिर आप बिल्कुल केक बेक करके कर सकते हैं, या फिर अपने साथ में जो लोग हैं उनका, उनके बारे में केयर करते हुए भी आप सेवा बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी अच्छा, फूड के बारे में बातचीत करते हुए ये एक देखा गया है कि फूड चैरिटी बहुत सारे और भी धर्म में, और भी रिलीजन में का एक हिस्सा है। मतलब सिखिज्म तो है ही सबसे जो मतलब उनका सेंट्रल आइडिया है, लेकिन और भी रिलीजन में कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो इस पूरे लंगर के इंस्टीट्यूशन के साथ है वो है फीडिंग अदर्स विद डिग्निटी। तो उसके बारे हाँ जी। में वी लाइक टू ऐड एनीथिंग? टू थिंग्स आई लाइक टू ऐड। एक तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कम्युनल ईटिंग, साथ में खाने में बहुत पावर है, और दिस इज ऑल बैक विद साइकोलॉजिकल रिसर्च भी यही कहते हैं।
जब आप लोगों के साथ खाते हैं तो आपके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, आप लोगों को और ट्रस्ट करते हैं, तो आपके खुद के लिए अच्छा है कम्युनिटी ईटिंग। दूसरी बात, एक्चुअली आप गुरुद्वारे में जाओ ना तो हमारी जो अरदास होती है, जो आरती होती है मंदिर में, गुरुद्वारे में जो अरदास होती है हर रोज, उसका एक रिफ्रेन है एट द एंड, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत्ता भला। तो ये सरबत्ता भला मतलब हम रोज प्रे करते हैं सबकी प्रोस्पेरिटी के लिए, सिर्फ हमारी। तो उसमें क्या हो जाता है, हम हर एक इंसान को मानते हैं कि यू आर वर्दी, हर एक इंसान इम्पोर्टेंट है, हर एक इंसान की वैल्यू है। तो जब आप हर एक इंसान को वैल्यू देते हैं, तब आप जब उनको खाना खिलाएंगे तो आप रिस्पेक्ट और डिग्निटी से ही खिलाएंगे। तो इसमें जो इक्वालिटी की भी भावना आती है, सब जो मिलजुल के काम करते हैं, फिर इतना डिफ्रेंशिएशन नहीं आता कि मैं अमीर हूँ मैं अच्छा हूँ, या मैं ये रिलीजन का हूँ मैं अच्छा हूँ। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस टेनेंस इन सिखिज्म जो है, इक्वालिटी और जो हम ह्यूमन बींग्स को वैल्यू करती हैं, इससे आती है ये रिस्पेक्ट और डिग्निटी, जिससे हम खुशी से लोगों लाते हैं। अच्छा, एक और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डिग्निटी की बात, इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ पे शुरुआत से एक सोशल डिफरेंसेस रहे हैं, कहीं ना कहीं एक हायरार्की रही है, कुछ बैरियर्स भी रहे हैं कि मतलब लोगों के साथ फूड शेयर करना एक रहता है कि जैसे मतलब मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता है शब्द, लेकिन हाँ रहता है कि आप उनके साथ बैठ के खा नहीं सकते, वहां पे साथ में फूड शेयर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये सोशल बैरियर्स को भी तोड़ा है सेवा ने, मतलब लंगर ने। हाँ जी, आजकल जब लोग गुरुद्वारे जाते हैं ना तो मुझे कहते हैं बहुत मुझे पीसफुल लगता है, बहुत मेरे मन में शांति आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुरु नानक को देखेंगे वो तो रिबेल थे, वो तो अपने टाइम के जैसे रेवोल्यूशनरी थे, क्योंकि उनके टाइम में क्या था, एक तो हिंदू कास्ट सिस्टम था, दूसरा मुगल मोनार्की थी, ये बहुत हायरार्कियल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थे, सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी। तो उन्होंने सिखिज्म बनाया ही इसलिए क्योंकि उनको ये नहीं पसंद था, उनको चाहिए था सब इक्वल रहे, जो ज्यादा काम करे उसको अपनी मेहनत का फल मिले। उनको मेरिटोक्रेसी में भी बहुत विश्वास था, उन्होंने अपने सक्सेसर के लिए अपने बेटे को नहीं चुना पर अपने सबसे वैल्यूएबल अधियरेंट को ही चुना था, और इसके वजह से एक्चुअली कम्युनिटी में थोड़ी अनबन भी हो गई थी। इसलिए If you see, Guru Nanak has been very, very keen on breaking these structures. और ये जो existing hierarchies हैं, वो उनके खिलाफ गए थे, और अब जाके जो उनका religion बना है, तो लोगों को peace, शांति etc. मिलती है, पर ये सब करने के लिए उनको पहले revolt करना पड़ा। बस मेरा तो यही सवाल था, एक last question है। Being a food and lifestyle writer, आपका क्या हाँ जी perspective है towards food? अगेन, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ये जॉब मिल गया था ट्रैवल राइटर का। मैं एक्चुअली इंडिया में ज्यादा गई हूँ, ऋषिकेश, कश्मीर, कुमाऊं, फिर भूटान, ऑस्ट्रेलिया, मैं काफी जगह काम की वजह से गई हूँ, वहाँ लोगों को एक्सपीरियंस किया है, वहाँ खाने भी बहुत खाए हैं, और जब आप किसी मैगजीन की तरफ से जाते हो तो लोग पका के भी बहुत अच्छा खाना ही देते हैं। पर एक बात मेरे जहन में हमेशा रही है कि मैं शायद चाहे मतलब फैंसी 5-star होटल में या मिशलिन स्टार खाना खा रही हूँ, या मैं रोड पे स्ट्रीट फूड खा रही हूँ, एक्चुअली मुझे ये चटपटा तीखा करारा खाना ज्यादा पसंद है, चाट टाइप। इट इज द स्टोरी बिहाइंड द फूड, जिस खाने में दिल होता है, जिसकी स्टोरी होती है, जो मेहनत से पकाता है या खुशी से पकाता है, वो खाना मुझे ज्यादा याद रखता है, रहता है, वो खाना मुझे ज्यादा पसंद भी आता है। और इसीलिए हम सब लोगों को अपनी हाँ माँ जी के हाथ का बिल्कुल बना हुआ खाना सबसे स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल भाव होता है। बिल्कुल जी, तो थैंक यू नूरब से बातचीत करने के लिए। और आपकी बुक लोग कहाँ से, अमेजोन ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ जी बिल्कुल, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप सेवा सीख सीक्रेट गूगल कर सकते हैं, अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं, बुक आ जाएगी। मेरा नाम है जसलीन मयाल खन्ना, आई एम दी ऑथर ऑफ सी। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जैसा मैं आपको कह रहा था शुरुआत में कि मेरे लिए मतलब जब मुझे पता चला आपके बुक के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने इस पे
मतलब हम आपके आपसे लिंक्स दो शेयर करूंगा इस हाँ सेशन जी के बाद। तो अब देखिए, हमने बिल्कुल, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है लंगर के ऊपर हाउ में, लवली, और एक वीर जी के डेरा पे तो हमने हाँ जी, बहुत ही मेहनत के साथ उसे फिल्म किया था, और उसको काफी समय लगा के एडिट किया, वाओ और तो वाओ, काफी मेहनत से बनाई। हम लोग चाह रहे थे इसको प्रॉपर रिलीज करें, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे ही डाला है इसे। तो आई ओके शेयर द लिंक विथ ओके, यू, प्लीज शेयर एंड इट विद मी, आई वुड लव टू शेयर, एंड थैंक यू। आप नेक्स्ट टाइम जरूर कभी दिल्ली आए तो वी वुड लव टू होस्ट यू ऑन आवर फूड ओह, पॉड। हेरिटेज वॉक्स आर माय फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है, मैं जरूर आऊंगी और मैं जरूर आपके साथ हेरिटेज वॉक पे जाऊंगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू बुक। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।